नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में। और आज हम आपके साथ हैं एक खास मेहमान को लेकर। खास मेहमान इसलिए हैं क्योंकि ये खास मेहमान निकल पड़ी हैं अयोध्या की यात्रा पर। मिलवाते हैं आपको शबनम शेख से, जो कि मुंबई से यात्रा पर निकली है अयोध्या के लिए। हाथ में प्रभु श्री राम का झंडा थामे मुस्कुराते हुए पैदल यात्रा कर रही हैं और उनके साथ उनके दो सहयोगी भी मौजूद हैं। वे लगातार चलती जा रही हैं। खंडवा से हमने आपको तस्वीरें दिखाई और खंडवा के बाद वे भोपाल पहुंची थी और भोपाल से भी निकल चुकी हैं, आगे विदिशा को क्रॉस कर चुकी हैं और कहां पहुंच चुकी हैं, सीधे आपको मिलवाते हैं शबनम से और उनसे ही बात करते हैं कि क्या चल रहा है, कैसी ये यात्रा चल रही है। शबनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप राम यात्रा पर, राम काज के लिए निकली हैं, कैसा लग रहा है, कैसी चल रही है यात्रा? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, राम जी के दर्शन के लिए मैं जा रही हूँ। मेरी यात्रा बड़ी मंगल है और शुभ है, बहुत अच्छा है। इतने सारे सनातनी भाइयों ने प्यार दिया है कि थकान भी नहीं होती है। ये देखो हनुमान जी का झंडा है हाथ में, मैं यही लेकर चलती हूँ, इसी से हिम्मत मिलती है, इसी से हिम्मत मिलती है। लेकिन शबनम शेख राम भक्त कैसे बन गई? अरे राम भक्त होने के लिए देखो हिंदू होना जरूरी नहीं है, एक अच्छा व्यक्ति होना जरूरी है सर जी। अच्छा व्यक्ति होना जरूरी है। आपके साथ दो सहयोगी भी चल रहे हैं, आप क्या कॉलेज फ्रेंड्स हैं? कैसे आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमको अयोध्या की यात्रा पर चलना है? नहीं सर, हम कॉलेज फ्रेंड नहीं है, हम नेबर्स है। हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पर हम साथ में रहते हैं, साथ में रहते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे कोई भेदभाव नहीं समझती, वो जो है आज की जनरेशन सब लोगों को साथ में लेकर चलने का काम करती है। लेकिन घर वाले क्या उन्होंने अपोज नहीं किया कि आप श्री राम का झंडा लेकर चल रही हैं और यात्रा पर जा रही हैं, लोग क्या कहेंगे? देखिए श्री राम जी को इमाम हिंद कहा गया है, तो वो हमारे लिए इमाम हिंद है, थे, रहेंगे। जितना मैं अल्लाह को रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं ही नहीं, मेरे पूरे फैमिली का बच्चा श्री राम जी को उतना ही रिस्पेक्ट करता है जितना हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हैं और अल्लाह ताला को करते हैं। रामचरितमानस का पाठ भी करते होंगे फिर? नहीं उतना तो नहीं करती हूँ, भजन वगैरह करते हैं हम, हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ते हुए चलते हैं रास्ते में, उतना समय नहीं मिल पाता है क्योंकि अभी इतना सनातनी भाई प्यार देते रहते हैं रास्ते में कि वो समय नहीं मिल पाता है सर। लेकिन आपको पुलिस सुरक्षा भी मिली हुई है, आप यात्रा कर रही हैं और पुलिस सुरक्षा भी मिली हुई है, इससे कैसे पुलिस सुरक्षा उतनी जरूरत क्यों आन पड़ी आपको, क्यों लगता है? देखिए हमने कोई सुरक्षा नहीं मांगी है, सरकार ने खुद सुरक्षा दी है, वो कुछ सोच समझ के ही दी होंगे। हमने तो मांगा नहीं, हम तो प्रभु श्री राम जी का नाम लेके बस झंडा लेकर बैग लेकर निकल पड़े। नहीं लेकिन आपको लगता है कि सिक्योरिटी थ्रेट आपको इस वजह से सरकार ने सुरक्षा दी है? ओह शिट, मेरा झंडा निकल गया, एक मिनट, कहीं उड़ गया वो। जी अवे से क्या हो गया पता नहीं, एक्चुअली मैं ना चलते चलते लाइव कर रही हूँ। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ कि हवा वहां पर जो है वो काफी तेज चल रही है और ये तस्वीरें जो है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और शबनम हमारे साथ लाइव लगातार जुड़ी हुई है। देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा। लेकिन शबनम एक चीज ये भी कहा जाता है कि ये मुस्लिम धर्म में टीका लगाना जो है वर्जित माना जाता है, ऐसा कुछ है क्या? आपने लगा रखा है बड़ा सारा, कहां से गुजर रही है, क्या स्वागत कर रहे हैं? मैं हाईवे पे हूं तो आवाज आपकी बड़ी स्लो आ रही है, क्या बोल रहे हो आप? मैं कह रहा हूं कि आपने टीका वगैरह भी लगा रखा है, ये जहां से गुजर रही है क्या वहां के लोग आपका स्वागत कर रहे हैं और उन्होंने लगाया ये सब? बिल्कुल उन्होंने लगाया है, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है, वही मेरे को लगाते हैं और वही मतलब मैं क्या बोलते हैं आरती भी उतारते मेरी, प्लस मुझे हार माला भी डालते हैं सर। हार माला भी डालते हैं। लेकिन शबनम आप जा रही हैं वहां पर अयोध्या में, बहुत सीमित लोगों को एंट्री है, आपको इन्वाइट किया है क्या, आपको इन्विटेशन मिला है कि नहीं? देखिए राम जी के नगरी में जाने के लिए इनविटेशन की जरूरत नहीं है, श्रद्धा की जरूरत है, श्रद्धा, बस दिल में आस्था हो, जुबान पे राम नाम हो, बस निकल जाओ,
भोपाल में थी तो शिवराज सिंह चौहान से भी आपकी मुलाकात हुई और शिवराज सिंह चौहान ने भी आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, क्या उनसे बातचीत हुई, क्या उनके द्वारा कहा गया? वो तो सबसे पहले तो बहुत खुश हो गए, मुझे लगा कि मैं मिलने जा रही हूँ, इतने बड़े सर है, जाहिर सी बात है पूरे मध्य प्रदेश का लोड है उनके सर पे, वो मामा है, तो हमको लगा 5 मिनट मुश्किल से हमें मिलेगा, लेकिन मैं गलत थी। वो बेटियों के लिए इतना ज्यादा मतलब आगे आते हैं कि वो मतलब हमारे साथ उन्होंने चाय पिया, लगभग आधे घंटे का समय हमारे साथ बिताया उन्होंने, और इतना मतलब प्यार दिया, इतना ब्लेसिंग्स दी कि उन्होंने बोला कि आपको पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी असुविधा नहीं मिलेगी, ऐसा बोला। और उन्होंने हमें भोपाल में रहने की सुविधा भी दी, एकदम आलीशान होटल में हम रहे और खाना भी बड़ा बढ़िया था, मतलब बहुत सी बात है, होटल अच्छा होगा तो खाना भी बहुत अच्छा था। लेकिन शबनम देखिए, ये जमाना जो है सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ लोग ये भी कहते होंगे या ये सवाल उठाते होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो है सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरीके से कदम उठा रहे हैं। हमने देखा इंस्टाग्राम पर बहुत लोग आपको फॉलो करने लग गए। आप देखिए, लोगों को ऐसा ही लगता है, देखिए बचपन से हम राम भक्त हैं, बचपन से हम राम जी को ही बल्कि सारे भगवानों को पूछते हैं। अब बचपन से ही हाथ में तो मोबाइल थमा नहीं देंगे ना पेरेंट्स, पढ़ाई लिखाई भी की है, तो उस टाइम पे ऐसा था कि सोशल मीडिया पे वो दिखाते नहीं थे, वो चीजें डालते नहीं थे। सोशल मीडिया का जमाना है और कोई अपना अपनी जो भावना है वो पेश करता रहता सोशल मीडिया के जरिए, तो मैंने भी भाई सोशल मीडिया पे डाल दिया वीडियो। मैं अपने फोटो, मैं तो अपने वीडियो में बोलती नहीं आप मुझे फॉलो करो, और ना ही मेरे बैग के बैनर के पीछे लिखा हुआ है, मेरी आईडी नहीं लिखी है, ना मैंने स्कैनर दिया, कुछ नहीं, बस राम भरोसे निकल पड़ी थी। सर राम भरोसे निकल पड़ी थी, बहुत अच्छी बात है, और दो सहयोगी भी आपके साथ हैं और पूरा सहयोग आपको मिल रहा है। लेकिन अयोध्या जाकर क्या करने वाली है, रामलला के दर्शन करेंगी, उसके बाद उसके आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए मैं तो पहले तो जाऊंगी, पहले तो मुझे यकीन नहीं होगा मैं सचमुच अयोध्या पहुंच गई, इतना संघर्ष करके मैं आई हूँ। फिर उसके बाद राम जी से बहुत सारी चीजें बोलनी है, मांगनी है, देश के लिए मांगनी है, अपने परिवार के लिए मांगना है, सबके लिए कुछ अच्छा ही मांगना है। नया साल लगा हुआ है, सबका अच्छा हो, मंगल हो, यही मैं कामना करती हूँ, देश का विकास हो, यही कामना। शबनम जब निकल रही हैं और वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ने के पीछे रीजन ये है कि शबनम हिजाब भी धारण किए हुए हैं, हिजाब भी उन्होंने ओढ़ रखा है, और साथ ही साथ राम नाम का झंडा ध्वजा जो है वो भी साथ में ले जा रहे हैं। देखिए सर, हिजाब मैंने ये सोच के नहीं पहना था कि मैं फेमस हो जाऊंगी, मैंने इसलिए पहना है क्योंकि बहुत ठंड है, कानों में हवा जाता ना, बहुत बीमार पड़ जाता है इंसान, तो कहीं ना कहीं मैं अपने बालों को सेफ महफूज रखने के लिए मैंने ये बांध रखा है और कान में हवा ना जाए इसलिए। और ये मैं ही नहीं, साड़ी पहनी हुई महिला बाइक से मैं देखती हूँ मुझसे मिलने आती है, कहीं ना कहीं वो भी अपने सर पे टोपी वगैरह लगा कर रखती है। ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन लड़की होकर इतनी लंबी यात्रा करना आपको नहीं लगा, जब आपने तय किया होगा कि भाई घर परिवार वालों ने बोला होगा कि लड़के हैं साथ में, और आप इतनी लंबी यात्रा कैसे करोगे पूरा और लड़की होकर? देखिए मेरे माँ बाप को मुझ पे बहुत ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट ही है जो आज मैं इतना दूर पैदल यात्रा के लिए निकली हूँ, और वो भी दो लड़कों के साथ, और वो लड़के नहीं है भाई, मेरी फैमिली है, वो हमारी मेरी एक फैमिली बन चुकी है, हम सुख दुख में साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ हम चलते हैं, तो हमारा ऐसा ना फैमिली वाला व्यवहार हो गया है। फैमिली वाला व्यवहार हो गया है। बहुत सारे आप ही के मुस्लिम जो लोग धर्म बंधु होंगे, सहयोगी होंगे, उनकी तरफ से क्या कमेंट्स आते हैं, कुछ पॉजिटिव भी आते होंगे, कई प्रकार के कमेंट्स आते होंगे, क्या आपको? देखिए आज तो मुझे दो धमकी भरी कॉल आई, मैं ऐसी मेरे सारी सभी सनातनी भाइयों से मिलजुल रही थी, स्वागत सत्कार हो रहा था, दो फोन कॉल्स आते हैं मुझे, इतनी गंदी गंदी गालियां, इतना गंदा गंदा बोल रहे थे, तो मैं भी पीछे नहीं हटी, जो मेरे पर फूल बरसाएगा मैं फूल बरसाऊंगी,
मेरे पर पत्थर फेंकेगा मैं तो फिर ईट फेंक के मारूंगी, पूरा पहाड़ फेंक के मारूंगी, मैं ऐसी लड़की हूँ। तो मैंने भी खूब गालियां दिया, खूब उल्टा सीधा बोला, अपने बचाव में तो मैं कुछ करूंगी ना। तो ऐसे आते रहते धमकियां, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। शबनम, ऐसे लोगों की आपने कंप्लेंट फाइल करने की नहीं सोची कि कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए? ऐसे लोग जो धमकी दे रहे हैं, थ्रेट है आपको? हाँ देते हैं, देखो धमकी में वो रेप थ्रेट देते हैं, दैट थ्रेट देते हैं, उनकी सोच ही घटिया है, मेरे को उससे मतलब नहीं है। लेकिन अभी समय नहीं मिल पा रहा ना कि मैं इन पे कुछ कर सकूं। मैं एक पॉजिटिव वे में निकली हूँ, तो मैं बस यही मनोकामना करते हुए निकल रही हूँ कि सबका अच्छा और सब अच्छे रहे, मैं ये सोच के निकली हूँ। तो इन लोगों पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ सर जी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग शबनम ऐसे भी होते हैं, जैसे आपने हिम्मत कर डाली, आपने यात्रा पर निकल पड़ी हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, जिनके मन में ऐसा भाव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बंदिश के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे। क्या संदेश देंगी उनको, या उनका संदेश आता है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो हमारा सपोर्ट आपके साथ है? अरे बहुत, इतने मैसेजेस आते हैं कि मैं चेक नहीं कर पाती हूँ, इतने कमेंट्स आते हैं, मैं क्या बोलूँ। अभी जैसे मेरे इतने फॉलोवर बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मेरा काम अच्छा लग रहा है। लोग किसी को फॉलो क्यों करते हैं? जिनका काम अच्छा होता है, व्यक्ति अच्छा होता है, उन्हीं को लोग फॉलो करते हैं। तो भाई मैसेज तो बहुत आते हैं, सबका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, लेकिन अच्छा ही मैसेज करते हैं वो। अच्छा मैसेज करते, सबका रिप्लाई नहीं दे पाते। और क्या कहेंगे आज के दौर में, जब राजनीति को अगर हम देखें तो बहुत नफरत की राजनीति भी होती है, और बहुत सारी तमाम तरीके के बयानबाजियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, तो आप उस पर क्या कहेंगे, आपकी टिप्पणी कुछ? मेरी टिप्पणी यही है कि उनकी कुर्सी खतरे में आ गई है। जो बोलते हैं ना कि अरे राम मंदिर बन रहा है, सारे मस्जिदों को बचा लो, ये वो, एकजुट हो जाओ, उनको पता है कि उनका कुर्सी खतरे में आ गया है। अब मौलाना लोग भी कहीं ना कहीं रामायण को लेकर अच्छी तकरीरें दे रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, और इमाम हिंद जो वर्ड है ये तो एक मौलाना लोगों के मुंह से मैंने सुना था। कहीं ना कहीं वो डरे हुए हैं कि अगर मुसलमान जाग गया, मुसलमान समझ गया कि भाई हम सब एक है, राम जी भी एक ही, अल्लाह भी एक ही है, तो कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। तो वो हमेशा डराने की कोशिश करते हैं, वो करने दो उनको, हमें फर्क नहीं पड़ता। शंकराचार्य ने कहा कि सभी सनातनी जो हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, सभी सनातनी हैं, सब लोग एक ही हैं, सब एक साथ ही रहते थे। बिल्कुल सही कहा भाई, मैं एक मुसलमान लड़की हूँ, सर पे हिजाब लेके पहन के जा रही हूँ, सब कितना सम्मान दे रहे। एक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बोला ना कि महिला चाहे बुरके में हो या साड़ी में हो, सम्मान बराबर मिलना चाहिए, और वो सम्मान मुझे बराबर मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं, लोगों के घर में बैठ के खाना खा रही हूँ, लोग अपने थाली में खाना खिला रहे, क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं निशब्द हो चुकी हूँ। एक चीज और, एक बयान और आया, महाराष्ट्र से ही बयान आया, आपने तो सुना होगा, अवहार जो है उनकी, हाँ उन्होंने कहा कि राम तो मांसाहारी थे। देखिए इसमें मैंने वीडियो भी बकायदा बना के डाला हुआ था कि उन्होंने माफी भी मांगी, कभी कभी वो मुंह से निकल जाता है ऐसे बोलकर। देखिए मैंने उनको ये रिप्लाई दिया कि आप अगर खाते हो ये सारी चीजें तो आप अपने भगवान से मत जोड़िए। 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का आप सेंटीमेंट हर्ट कर रहे हैं, है ना। ऐसे बोल करके मैंने एक वीडियो भी बनाया था, और ऐसे लोग सिर्फ लाइमलाइट में आना चाहते हैं। इन्होंने देखा था क्या जो राम भगवान है जो मतलब नॉनवेज खाते हैं, उन्होंने तो एक किताब भी नहीं पढ़ी होगी राम भगवान के ऊपर, लेकिन टिप्पणी करने वो पहले सामने आ जाते हैं कहीं ना कहीं। नहीं कुछ, अब देखिए राजनीति की बात हो रही है तो और भी आपको जानकारियां होंगी। ये भी कहा जा रहा है कि ये सब जो है ये राजनीतिक स्टंट है राम मंदिर का, ये जो राम लला विराजमान हो रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये कार्यक्रम कम राजनीतिक स्टंट है, आपको लगता है? नहीं मुझे नहीं लगता। देखो राम मंदिर का जो लड़ाई थी वो तो 500 साल से हो रही थी ना, उस टाइम थोड़ी राजनीति हो रही थी, ये तो एक देश के गौरव का मुद्दा है। और ये जो राम मंदिर बन रहा है तो
तो मस्जिद भी तो बन रही है ना, मस्जिद को लेकर क्यों नहीं कोई बोलता है कि राजनीति का मुद्दा है? मेरे को ये समझ में नहीं आता, सिर्फ मंदिर को ही क्यों लोग बोलते हैं? मतलब मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं हो रही है, आप ये कह रही हैं? बिल्कुल नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में एक लड़की मुंबई से निकलती है अयोध्या की यात्रा के लिए, तो क्या महाराष्ट्र में सत्ता की यात्रा के लिए भी तैयारी कर रही है इस यात्रा के साथ? क्या क्या फिर से एक बार दोहराएंगे आप, थोड़ा हाईवे पे तो सुनाई कम देता है सर जी। हाँ, राजनीति में एंट्री के क्या रास्ता तो नहीं है ये अयोध्या यात्रा आपकी? अरे नहीं नहीं सर जी, मैं 19-20 साल की लड़की हूँ, मुझे राजनीति का बोलते ना आर भी नहीं आता है, और मैं ये सब झंझटों पे पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल यात्रा में नहीं जा रही हूँ, मैं राम जी की यात्रा में जा रही हूँ। तो आप ये बोलिएगा, आपका सवाल ऐसा होना चाहिए कि भाई अयोध्या के बाद आप दूसरे किस मंदिर में जाने वाली है, आप ऐसे सवाल पूछिए। मतलब दूसरे किस मंदिर में जाने वाली है ये बताइए पहले, फिर अगला सवाल भी करेंगे। दूसरा अयोध्या के बाद दूसरा मंदिर कौन सा? मथुरा जाऊंगी मैं, अभी होली आ रहा, मथुरा जाऊंगी। देखिए मैं इधर लाइव चल रही हूँ, आपको सारे सनातनी भाई दिखाती हूँ जो स्वागत सत्कार के लिए खड़े। जय श्री राम। ये मैं लाइव हूँ किसी न्यूज चैनल से, ये देख सकती हूँ इतने सारे लोग खड़े स्वागत के लिए, मेरा वेट कर रहे दोपहर से, फोन भी आ रहे हैं, फोन भी कितने लोग कर रहे हैं। तो ये प्यार मिल रहा है मुझे, ये देख लो, ये मध्य प्रदेश के लोग हैं जो इतना प्यार दे रहे हैं। मेरे पैर मत छू प्लीज, पैर मत छू, एक मिनट थोड़ा झंडा पकड़ेंगे आप। तो देख लो ये मैं चलते चलते लाइव कर रही हूँ, मेरे पैर में छाला आ गया है, लेकिन फिर भी मैं चलूंगी, मैं रुकूंगी नहीं, धीरे धीरे चलूंगी। 10 दिन लेट अयोध्या पहुंचूंगी, लेकिन मैं जाऊंगी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। मथुरा जाने की तैयारी आपकी? जय श्री राम। हाँ सर जी बोलिए। इसके बाद आप मथुरा जाने की तैयारी में, मथुरा की यात्रा करेंगी? बिल्कुल मथुरा जाऊंगी मैं, होली में जाने वाली हूँ मथुरा, उधर मस्ती का माहौल है, उसको मैं एंजॉय करूंगी। एक बात बताइए, और आपको एक और बात बता दूं, पिछले नहीं वो हमारे साथ ही रहने दो, एक मिनट बात करने दो। पिछले 15-16 किलोमीटर से एक डॉगी हमारे साथ पैदल चल रहा है, मतलब मैं निकली हूँ, हम मेरी जो टोली निकली है उनके हमारे साथ वो चल रहा है, यहाँ पर है मेरे सामने। अभी पहुंची कहाँ है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप बोलिए सर, सॉरी माफ करना थोड़ा सा डिस्टर्ब। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और शबनम, जब आप निकली होंगी तब आपने क्या सोचा कि सारे लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा? मैं वही, अरे सर जी मैं तो आपको वही बोल रही हूँ, निकली थी तो मैं अकेली, लेकिन आज पूरा भारत मेरे साथ जुड़ रहा है। देखिए अभी मैं अकेले चल रही थी ना, इतने सारे लोग जुड़ गए स्वागत के लिए। कहाँ है आप अभी इस वक्त? कहाँ हूँ मैं? मानोरा, जगदीशपुरी मानोरा, जगदीशपुरी मानोरा में हूँ मैं। किस जिले में पड़ता है ये? डिस्ट्रिक्ट विदिशा, डिस्ट्रिक्ट विदिशा। अच्छा, विदिशा जिले से होकर फिर अगला पड़ाव कहाँ पर है? सागर की तरफ हम निकल रहे हैं, बीच में 80 किलोमीटर दूरी पे। हाँ तो देखिए अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपको लाइव दिखाऊंगी सर जी, आप अपने दर्शकों को भी दिखाओ कि सारे सनातनी भाई एक मुस्लिम महिला के साथ चल रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपके लिए आए हम, 11 से अभी आए। नहीं नहीं ये लाइव है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।
शबनम शेख जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ी थी, शायद सिग्नल उनका अब चला गया है, लेकिन शबनम शेख जो कि राम भक्त हैं और मुंबई से अयोध्या की यात्रा पर लगातार वो पैदल चल रही हैं और उन्होंने कहा है कि उनको बहुत प्यार जो है वो लोगों का मिल रहा है, उन्होंने सोचा भी नहीं था इतना प्यार मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनको कुछ धमकी भरे कॉल आ रहे हैं जिसकी शिकायत उन्होंने दर्ज कराई है। उम्मीद करते हैं कि शबनम शेख की ये अयोध्या यात्रा अच्छी तरीके से पूर्ण हो, क्योंकि अभी और वक्त उनको लगना है, विदिशा पहुंची हैं और उसके बाद अगला पड़ाव सागर का होगा और फिर वो आगे इसी तरीके से बढ़ती चली जाएंगे। और इसी के साथ शबनम जो हमारे साथ जुड़ी थी, शबनम आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज के इस फेसबुक लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।